बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय क्रिएशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सी शर्ट बनाकर दिखा रही हूँ जो समर सीज़न के लिए है। ये स्लीव्स का फैब्रिक, ये शर्ट का फैब्रिक है। हम इसकी पैनल कटिंग करेंगे। थ्री इंच ऊपर से रखेंगे। सिक्स इंच नीचे से रखेंगे। इस पर हम इस तरीके से तिरछा निशान लगाएंगे। अब इसे हम कट कर देंगे। ये जो नीचे वाली साइड थी इसे ऊपर की साइड करेंगे, और ये जो सीधी साइड है ये उरेव वाली साइड में मिलाएंगे। अब इस साइड से शोल्डर का निशान लगाएंगे 7 इंच। सेवन इंच आर्म होल का निशान। टेन इंच चेस्ट का निशान। नाइन इंच कमर का निशान। 15 इंच के पास कमर का निशान लगेगा। 1 इंच से हम अलग पीस कर देंगे। हल्के से साइड से कटिंग करेंगे। इस पैनल की कटिंग में थोड़ी सी उरेब आ जाती है, जिसकी वजह से इस साइड हम सीधी पट्टी लगाएंगे और उरेब की साइड हमने आर्म होल की कटिंग और फिर और साइड की कटिंग का निशान लगाकर कटिंग कर देंगे। अच्छा, अब हम फ्रंट की
की गहराई से कटिंग करेंगे। थोड़ी सी शोल्डर के ऊपर से कटिंग करेंगे, आप हाफ इंच के करीब। ये दरमियान का ये इस तरीके से पैनल कटिंग शर्ट तैयार हो जाएगी। ये जो पैनल है इसमें हम पाइपिंग भी दे सकते हैं, हम इसमें कोई लैस भी लगा सकते हैं और इसमें हम डोरी पाइपिंग भी दे सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरती से तैयार हो जाती है। आप भी ट्राई करें, बेहद अच्छी, आसान और बिल्कुल सिंपल शर्ट तैयार हो जाएगी। और इसकी नेक लाइन जैसे भी आप बनाना चाहें, बैन वाली बनाना चाहें, कॉलर वाली बनाना चाहें, बिल्कुल सिंपल बनाना चाहें, हर तरीके से नेक लाइन बना सकते हैं। ये स्लीव्स हैं, इंची टेप की स्लीव्स की लेंथ 19 इंच। ये दरमियान में जोड़ आता है, इसमें चाहे आप कुछ भी डिजाइनिंग कर लें। इस तरीके से ये स्लीव्स हो गए, ये शर्ट की कटिंग हो गई मुकम्मल। अब शर्ट की स्टिचिंग के बाद हम आपको इसके मुकम्मल लुक दिखाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना मत भूलें। कल एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।